प्रशांत जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ा मार्केट फटीक जिसे कहते हैं ना थकावट, वो महसूस कर रहा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग फास्ट थी, अच्छी भी थी और रिक्वायर्ड भी थी, तो थोड़ा फटीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार कमजोर है, मैं कह रहा हूँ बाजार थोड़ा सा थका है चलने के बाद। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहते हैं सर निफ्टी बैंक निफ्टी पे? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लग रहा है कि सबसे अहम, हम जब 23,300 के करीब गए थे जो कि एक बहुत अहम सपोर्ट था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया और उसमें नतीजों की वजह से कल एक अच्छी उछाल भी आई डेफिनेटली। बट ओवरऑल अगर हम देखें, एक चीज की जो कमी पैटर्न में नजर आ रही है, पहले निफ्टी के बारे में बात करूंगा स्पॉट के बारे में, वो ये है कि अभी तक एक हायर बॉटम बना नहीं। तो जब तक हायर बॉटम नहीं बनता हम ये कह नहीं सकते कि ट्रेंड चेंज नजर आ रहा है या बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। हाँ, हम एक सपोर्ट से बाउंस हुए, स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है, बट अब एक हायर बॉटम बनना बहुत जरूरी है। ये बॉटम कहाँ बनना चाहिए? तो दो जगह इस चीज के लिए, एक होगा जो 20 दिनों के एवरेज है करीबन 24,020-24,030 के बीच में, और दूसरा होगा जो दो दिनों पहले की क्लोजिंग थी यानी 23,900-23,950 के जोन में। तो इसके आसपास कई बॉटम बने और वहां से अगर हम अच्छे से बाउंस करें, बाइंग आए, तो मुझे लग रहा है कि हम कह सकते हैं कि अब एक हम बाय ऑन डिप्स के टेक्सचर में आए, जो अभी तक प्राइस वाइज कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अब मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजी निफ्टी स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए कि जिनके पास लॉन्ग है, मैं दो लेवल्स के लिए वेट कर रहा था कल कि हम 24,250-24,300 स्पॉट में इस 50 पॉइंट के जोन के ऊपर क्लोज हो जाए, बट कल हम 24 इसके निचले रेंज के नीचे भी क्लोज हो, यानी 24,250 भी क्लोज नहीं हो पाए। तो ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे बहुत अहम होगा 24,300। जब तक ये नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हम एक स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए इंडेक्स में, जो फॉलो थ्रू आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए क्लियर कट मोमेंटम के लिए लेवल होगा क्लोज अबाउट 24,300 स्पॉट बेसिस, उसके बाद मैं पोजिशनल लॉन्ग्स के बारे में सोचूंगा। तब तक मेरे जो भी इंडेक्स में ट्रेड होंगे वो इंट्राडे स्पेसिफिक होने चाहिए। लेवल्स क्या होने चाहिए? अगर किसी के पास लॉन्ग है निफ्टी में, आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन, ज्यादा लंबा मत रखें, 24,130-135, 30-40 पॉइंट नीचे, ताकि कोई रिवर्सल आए आप एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। अहम सपोर्ट डेफिनेटली 24,050, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और हम मोटा मोटी मान के चलेंगे 24,000 का, 24,000। उसके नीचे जैसे आपने कुछ वक्त पहले कहा था 23,800-23,850 ये लेवल होंगे, बट वो भी काफी दूर है। तो फिलहाल 24,050-24,000 ये जोन अहम होगा। ऊपरी लेवल पे 24,300 के ऊपर क्लोजिंग अगर हम देखें, हम बिल्कुल इस रेंज के बीचों बीच है, तो मेरे लिए निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दो। ठीक है सर, निफ्टी पे हम एक बार स्टैंप लगा देते हैं अवॉइड की, वैसे लेवल्स भी आपके सामने बता देते हैं। सर कह रहे हैं कि 24,300 के ऊपर ये सारा कुछ रिज्यूम हो जाएगा, वापस से तेज हो जाएगा, और 24,000 पे या फिर 24,135 24,000 पे ये सब कुछ खराब भी हो जाएगा। आप बिल्कुल बीचम बीच हैं, आपको पाने के लिए भी 100-150 पॉइंट है, आपको खोने के लिए भी 100-150 पॉइंट है, तो आप कोई ट्रेड ना करो। ना ट्रेड करने की कैटेगरी को हम अवॉइड कहते हैं, इसलिए हमने अवॉइड की स्टैंप लगाई है। निफ्टी पे एक बार अवॉइड की स्टैंप लगा दो ताकि काम पक्का हो जाए कि निफ्टी पे हमारा कोई सौदा नहीं है, कोई काम नहीं करेंगे। लेवल्स मोटा मोटी आपको बता दिए सर, अब बैंक निफ्टी भी बता दीजिए, फिर स्टॉक्स पे आएंगे। डिम्पी जी, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में अगर हम 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के बीच देखें, तो 52,900 से लेके स्पॉट बेसिस 51,850, ये एक दिन में ही एक बड़ा गैप रेजिस्टेंस है, जो करीबन 1,000 पॉइंट का गैप रेजिस्टेंस है। आज का अगर हम स्पॉट का हाई देखें तो आपको नजर आएगा करीबन 22,500। हम इस गैप को टेस्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अभी रणनीति क्या होनी चाहिए? बट अगर दोनों इंडेक्सेस में कंपेयर करें, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक्यूमुलेशन काफी अच्छा हुआ है, रेंज ब्रेकआउट की कोशिश हुई। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो कल का लो है करीबन 51,700, इसके जितना नजदीक हमें मिले यानी 52,100 के आसपास, वहां एक आप छोटा सा रिस्क लेके 1% से लेस 51,700 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। तो थोड़ा और नीचे आने दीजिए और उस जोन के आसपास आने के बाद हम इसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 51,700। यहाँ से टारगेट होने चाहिए फिर से एक बार 52,600-52,700 के, बट मेरा जो बाइंग होगा वो मैं 250-300 पॉइंट से ज्यादा रिस्क में इस मार्केट में लेना नहीं चाहूंगा। बट दोनों इंडेक्स में अगर चुनना हो तो मेरे लिए बैंक निफ्टी डेफिनेटली करंटली बाय ऑन डिप्स के टेक्सचर में जाता है। निफ्टी में जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई डिसीजिव मूव नजर नहीं आ रही है, हम रेंज के बीचों बीच फंसे हुए। सर जो हमने शेयर्स निकाले हैं जहां पर आज खरीदारी हुई है, उसमें एक तो बर्जर पेंट है करीब 2.5% ऊपर, और एक एफएमसीजी का प्लेयर है कोलगेट,
कोलगेट का सीरीज का सेकंड हाफ आप चेक करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक फॉल के बाद एक बढ़िया सपोर्ट के बाद बढ़िया पुल बैक ब्रेकआउट, आपको सब कुछ दिखने लगेगा। और बर्जर पेंट के साथ भी यही हो रहा है, फॉल फॉल के बाद अच्छा बेस, बेस के बाद एक पुल बैक, इन दोनों पर आपकी कॉल सर। तो डिब्बी जी बर्जर पेंट को अगर हम लेके, मेरे लिए अवॉइड होगा। अवॉइड क्यों होगा, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इस स्टॉक को करीबन ऑब्जर्व करें अब मिड अक्टूबर से, 15-16 अक्टूबर से, तो जो छोटा मोटा भी 3-4 कैंडल का पुल बैक आता है वहां से बिकवाली तेज होती है। आपको वॉल्यूम देखेंगे बिकवाली पे, करंटली भी अगर आप देखो जो बाइंग हुई थी वहां वॉल्यूम कोई स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बेस पे पकड़ने से ज्यादा, बॉटम फिशिंग से बेहतर आप वेट कीजिए। वेट कहाँ करना होगा, तो इसको 500 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, मेरे लिए अवॉइड कैटेगरी में जाता है। अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक देखूं कोलपाल, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ भी बिकवाली हामी हुई थी, बट वॉल्यूम जो आया कल का वॉल्यूम आप देखिए बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम था, तो यहाँ मैं एक बाय रेकमेंड करना चाहूंगा। दूसरी बात, अब हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि क्लोज नहीं हुए बट ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम बर्जर पेंट को देखें तो हम 20 दिनों के एवरेज से काफी दूर है, और हर बार हम वही से बिकवाली देख रहे हैं, 20 दिनों के एवरेज तक पहुंच भी नहीं पाए। इसलिए इन दोनों में चुनना होगा तो मैं कोलपाल को चुनूंगा, करीबन 2933 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 2895, यानी 2900 के जस्ट नीचे। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ, पहला टारगेट 3000 होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि वहां पे 200 दिनों की एवरेज है, तो 3000 आने पे मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बांध लेना बेहतर होगा। 3000 के ऊपर क्लोज हो तब हम डेफिनेटली और एक पोजिशनल अप्रोच बना सकते हैं, बट कल के वॉल्यूम स्ट्रांग है, यहाँ पे बाय डेफिनेटली किया जा सकता है। ठीक है, 2895 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस सौदे के साथ उतर सकते हैं, यहीं पे 3000 का आपका टारगेट है। छोटा मोटा डिप मिल जाए तो और अच्छा है, आप प्लस करना चाहे तो ऊपर, हमने वैसे बकायदा लेवल्स लिख दिए हैं प्रशांत सावंत ने जो आपको बताए हैं तो आप चाहे तो पोजीशंस यहाँ पे ले भी सकते हैं। ठीक है जी, 2933 पे, 30 पे, या मैं बोलूँगा 30 रुपये और भी नीचे मिलते हैं तो भले ही प्लस कर लेना आप इसको। आपका स्टॉप लॉस 2895 है और टारगेट है 3000 का। ठीक है जी, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, शेयर्स ठीक है, चुनाव हो गया। दो शेयर सर के सामने रखे थे, कोलपाल का चुनाव हुआ, बर्जर पेंट को अवॉइड कैटेगरी में डाल दिया। अब तक एक शेयर है, कार्यक्रम को शुरू हुए करीब करीब 15 मिनट हो चुके हैं, अब तक एक ट्रेड आपको इंडेक्स का मिला जो कि बैंक निफ्टी का है, और एक ट्रेड अब तक आपको मिला है कोलगेट पामोलिव का। ये जो दो शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं यही कल रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाएंगे, अब तक और सारी सिर्फ चर्चा भर थी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं, अब जरा आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड पे। शॉर्ट कवरिंग के दो सौदे लेके आइए, एक तो है ABFRL, दूसरा है बाटा इंडिया। सर इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो। बाटा इंडिया इंटरेस्टिंगली एक्सपायरी पे ना जाने इसको क्या होता है, कवरिंग करने लगता है फिर सीरीज में कमजोर हो जाता है। दूसरा ABFRL है, इसको भी चेक कीजिए, पिछले दो दिन से बढ़िया बिल्डअप दिखा रहा है। तो डिम्पी जी आप हमेशा एक स्टेटमेंट में एनालिसिस बता ही देते हो, आपका जो बाटा का एनालिसिस है बिल्कुल वही मेरा एनालिसिस है कि ये एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में एक स्पाइक देता है, उसके बाद ये फिजल आउट हो जाता है, तो मैं इसको अभी भी इस लेवल पे अवॉइड करूंगा। आप देखिए वॉल्यूम स्ट्रांग है बट ऊपरी लेवल पे बिकवाली बहुत आई है, तो आपकी हिंट मैंने भी पकड़ लिया और मेरा एनालिसिस बिल्कुल उससे मैच कर रहा है, सो बाटा को अवॉइड में डालेंगे। बट अगर आप देखिए ABFRL ये 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और दूसरी बात कल के वॉल्यूम्स हाई थे उसको आज फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो यहाँ एक रिस्क हम ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो 293 होगा, जो कल का लो है 293, तो अगर आपको थोड़ा एक दो पॉइंट नीचे मिले बेहतर होगा, बट इसको पोजिशनल अप्रोच रखिए। और ये मुझे लग रहा है कि 315 यानी 1:1, बट 315 पार होने पे ये 320 324 तक भी जा सकता है, तो ये ट्रेड मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, वॉल्यूम बैक लग रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली एक बाय रेकमेंड करूंगा मैं। तो मंदी वाले दो शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे, पहला है TVS मोटर्स और दूसरा NTPC। प्रशांत जी एक बार जरा चेक करना TVS मोटर और NTPC। तो डिम्पी जी इसमें NTPC स्ट्रेट सेल में जा रहा है डेफिनेटली, करीबन 361 पे ट्रेड कर रहा है, और आज का जो हाई है वो 370 है, आइडियल स्टॉप लॉस 371 यानी आज के हाई के ऊपर होना चाहिए 371। अगर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मेरे हिसाब से आप थोड़ी रैली के लिए वेट कीजिए, बट स्टॉप लॉस चेंज मत कीजिए, स्टॉप लॉस 371 होगा, और आपका टारगेट जो यहाँ से होना चाहिए वो होना चाहिए करीबन 345। मुझे लग रहा है NTPC में जो ब्रेकडाउन है उसको फॉलो थ्रू मिल सकता है और हम निचले लेवल यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है, तो एक एनटीपीसी का ट्रेड बनता है। सर ये टीवीएस को छोड़ दें क्या, टीवीएस में कोई ट्रेड ना ले? अगर हम टीवीएस मोटर में देखें तो यहाँ 2415 पे एक गैप सपोर्ट है, यानी करंट प्राइस से जब 10 पॉइंट नीचे, तो सपोर्ट के यहाँ शॉर्टिंग करना थोड़ा रिस्की होगा, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। बट एनटीपीसी डेफिनेटली सेल लिस्ट में जाता है। ठीक है, टीवीएस पे लगाओ अवॉइड का ठप्पा। एनटीपीसी का टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पे वापस हम दिखा देते हैं। तो ये शेयर हो गए। अब अनवाइंडिंग के दो शेयर भी सर से चेक करवा लेते हैं। सर ये भी चेक कर लो, पहला है बजाज ऑटो, दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। इन दोनों शेयरों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा, नहीं बनता तो छोड़ देंगे हम। तो डिब्बी जी, अगर हम बजाज ऑटो को देखें तो एक ब्रेकडाउन है, और इनफैक्ट मैं इसकी जो दिसंबर की 9000 की पुट है वो भी ट्रैक कर रहा था, पर इसमें रिस्क बड़ी हो रही है। रिस्क बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि करीबन 215-20 पे ये ट्रेड कर रही है और आजकल वो 125 का है। तो इसके लिए मैं इसको, वरना मैं इसको ऑप्शन में रेकमेंड करता था, बट इसको डेफिनेटली सेल लिस्ट में रखना चाहिए। करीबन अगर हम करंट प्राइस देखें 9130-40 के बीच है, इसको शॉर्ट कर दीजिए और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप जस्ट एक रिस्क बेस्ड स्टॉप लॉस रखिए, करीबन 9225 9225% की रिस्क होगी। यहाँ से ये ब्रेकडाउन अगर सस्टेन करे आपको लेवल्स मिलेंगे 8900-8800, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, मेरे हिसाब से यहाँ शॉर्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, और अल्ट्रा में सर? तो अल्ट्राटेक सीमेंट में मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, मुझे यहाँ इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जो 3 दिनों में बाइंग आई थी वहां वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग थे और अब ये रिट्रेस हो रहा है, तो मैं इसको सेल के तरीके से नहीं देखूंगा, मैं इसको अवॉइड के तरीके से देखूंगा और इसको मैं सेलिंग लिस्ट से अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, डन सर, अल्ट्राटेक सीमेंट पे लगा दो अवॉइड के स्टैंप। बजाज ऑटो का ट्रेड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। दो मंदी के शेयर भी सिलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट इज बजाज ऑटो, सेकंड इज एनटीपीसी। दो तेजी के हैं, एक है कोलपाल, दूसरा एबीएफआरएल, और बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है। अब हम आ जाते हैं जरा आपके स्टॉक्स पे सर। प्रशांत जी, आपके अपने सौदे। तो डिम्बी जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड एक सेल ट्रेड होगा डीएलएफ पे, ये करीबन 830 पे ट्रेड कर रहा है 30 पे, और कल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। तो हम स्टॉप लॉस करीबन 842-845 842-845 जोन में स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 800 का, 800 से लेके 804 इस जोन का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डीएलएफ में एक जो बाइंग आई थी वहां से एक हायर बॉटम बनना बाकी है, तो एक रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको, एक शॉर्ट ट्रेड की तरह, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, हम एक शॉर्ट कर सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट पिक मेरा बाय लिस्ट होगा एलएनटी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम एक थोड़ा ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहे थे, वहां से रिट्रेस हो रहा है, करीबन जस्ट 3690 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ मेरी लॉन्ग की सलाह होगी और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस करीबन 3630-3625 यानी ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास रख के पोजिशनल लॉन्ग ले सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से हम 3770-3800 ये लेवल्स भी देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में स्ट्रेंथ है और जो 2 दिनों में मूव आई थी वहां भी अच्छा वॉल्यूम था, सो एलएनटी में बाय और डीएलएफ में सेल, ये मेरी सलाह होगी। ठीक है डन सर, हमने सर सारे पॉइंट्स आपके नोटिस कर लिए जो भी आपने बताए। इन सबको कल हम रिपोर्ट कार्ड के जरिए आपके सामने रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा 12:05 पे आज आपने जो भी सौदे बनाए हैं कल 12:05 पे काट दीजिएगा। जो भी एक्सपर्ट्स ने आपको ट्रेड दिया उसका एक रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखेंगे, स्टॉप लॉस भी, बाय सेल जो भी हुआ है सबका सब रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।